क्रिकेट वाला मैचेस की प्रिडिक्शन तमाम इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मैचेस की और T20 और डोमेस्टिक मैचेस जितने भी उनकी प्रिडिक्शन के लिए और उनके मैच रिव्यूज के लिए हमारा चैनल यूट्यूब का चैनल क्रिकेट वाला को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अब PSL के बारे में बात हो रही थी, PSL में भी स्पेसिफिक हम कराची किंग्स की टीम के बारे में बात कर रहे हैं। कराची किंग्स की टीम इस मरतबा बहुत अच्छे जोश और बलबले के साथ PSL के लिए आ रही है और उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्त की जा रही हैं। हमने आपको कराची किंग्स के बैट्समैन के बारे में भी बताया, बॉलर्स के बारे में बताया, ऑलराउंडर्स के बारे में बताया। अब हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से ओवरसीज प्लेयर्स कराची किंग्स की टीम में खेल रहे हैं, खेलेंगे PSL 2017 में कौन कौन से ओवरसीज प्लेयर कराची किंग्स की टीम में खेलेंगे। कराची किंग्स की टीम में जो सबसे मशहूर ओवरसीज प्लेयर खेल रहे हैं वो हैं क्रिस गेल। किसी तारुफ के मुताबिक नहीं है, तमाम लोग जानते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं, दुनिया के क्रिकेट के तमाम लीग्स खेलते हैं और तमाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं और सबसे ज़्यादा T20 क्रिकेट में सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं। तो किसी तारुफ के मुताबिक नहीं है क्रिस गेल और बहुत सी उम्मीदें इनसे वाबस्ता की जा रही हैं कि ये PSL में कराची किंग्स को कामयाबी दिलाने में ज़रूर कामयाब होंगे। दूसरे ओवरसीज प्लेयर दुनिया क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा सितारा दुनिया क्रिकेट में जिनको हमेशा सुनहरे रंगों से याद किया जाएगा वो है कुमार संगकारा। बहुत अच्छे कैरेक्टर हैं, बहुत अच्छा फेस है, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, बहुत अच्छा कैरेक्टर है और उतने ही अच्छे बैट्समैन हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से बैटिंग करते हैं, किसी भी मैच का पासा पढ़ने के मुकम्मल सलाहियत रखते हैं, बहुत तेज़ी से स्कोर करते हैं और बहुत से मुश्किल बार भी सिक्स मारने की सलाहियत रखते हैं। ये इनकी क्वालिटी है, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, लोग इनको जानते हैं। जो क्रिकेट में जिनको थोड़ा सा इंटरेस्ट है वो होने से अगर कुमार संगकारा के नाम से वाकिफ ना हो, क्योंकि अगर तेंदुलकर का कोई शख्स रिकॉर्ड तोड़ सकता था तो वो कुमार संगकारा थे, लेकिन क्या उन्होंने बहुत जल्दी क्रिकेट छोड़ दी। मेरा ख्याल है कि शायद T20 क्रिकेट वजह से उनको क्रिकेट छोड़ना पड़ी, क्योंकि अगर वो टेस्ट क्रिकेट खेलते रहते तो वो इन लीग में नहीं शामिल हो सकते थे, लेकिन उन्होंने इसको ज़्यादा तरजीह दी और दुनिया में दूसरे नंबर पर ही रहे। पहले नंबर पर सचिन तेंदुलकर के और दूसरे नंबर पर इनके बहुत ज़्यादा रन हैं टेस्ट क्रिकेट में, मोर देन 12,000 स्कोर करना टेस्ट क्रिकेट में बहुत बड़ी बात होती है और वनडे क्रिकेट में भी मोर देन 12,000 स्कोर करना और वो भी मोर देन 50 की एवरेज से। तो बहुत बहुत अजीम प्लेयर हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं और कराची किंग्स की नुमाइंदगी करेंगे और कीपिंग के फ्रेविस अंजाम देंगे। तो उम्मीद की जा रही है कि कराची किंग्स की टीम कुमार संगकारा की मौजूदगी में टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करेंगे। तीसरे ओवर सीजन की बात करें तो वो है महिला जयवर्धने, एक और बैट्समैन जो कि श्रीलंका के बहुत बड़े स्टार हैं, सितारे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, जरूरत पड़ने पर बॉलिंग भी करते हैं। इनकी भी सबसे बड़ी एबिलिटी जो इनकी वो ये है कि किसी भी पोजीशन पर खेलने की ट्राई करते हैं। इनको आप ओपनर भी खिला सकते हैं, वन डाउन भी, टू डाउन भी और लेट टेल अंडर में भी खेलने की मुकम्मल ट्राई करते हैं। किसी तारुफ के मुताबिक नहीं है, सब लोग जानते हैं इनके बारे में भी, जिनको क्रिकेट के बारे में इंटरेस्ट है, श्रीलंका की क्रिकेट में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं। बहुत अच्छे कप्तान भी हैं, बहुत अच्छे मेंटर भी हैं, तो बहुत कप्तान को भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, ये बहुत अच्छे मशवरे मुफी दे सकते हैं। इंग्लैंड की टीम की कोचिंग भी कर चुके हैं, तो महिला जयवर्धने भी किसी तारुफ के मुताबिक नहीं है और कराची किंग्स का एक बहुत अच्छा स्टेप है कि उन्होंने महिला जयवर्धने को अपनी टीम में शामिल करने का फैसला किया। उसके बाद चौथे प्लेयर के बारे में डिस्कस करें तो वो भी किसी तारुफ के मुताबिक नहीं है, वो हैं कैरन पॉलर्ड। कैरन पॉलर्ड भी बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, इंग्लैंड में भी लीग खेलते रहे हैं, IPL भी खेलते हैं और अब पाकिस्तान के PSL में पिछला सीजन तो ये नहीं खेल सके, लेकिन इस सीजन में इनको चांस मिला है। कराची किंग्स वो टीम है जिन्होंने इनको चांस देने का फैसला किया है कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं अपनी टीम को, बड़े होकर छक्के लगाते हैं, छः बॉलर में छः छक्के मारने की सलाहियत रखते हैं, इतने अच्छे फील्डर हैं, बहुत दराज करते हैं और फील्डिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, बाउंड्री पर बहुत अच्छे अच्छे कैच भी पकड़ चुके हैं और सबको पता है कि वेस्ट इंडीज की स्ट्राइक होती है कि जब कैच वगैरह या विकेट लेने के बाद जो सेलिब्रेशन करते हैं तो पाकिस्तान की ये ऑडियंस जो है वाकई में इंजॉय करेगी, क्योंकि इसी तरह वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर ने लीग को अहमियत दी है तो यकीन उनकी सेलिब्रेशन को भी इंजॉय किया जाएगा। तो कैरन पॉलर्ड मशहूर है इस बारे में क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से अपने सेलिब्रेशन करते हैं। तो अब इसके बाद आखिरी प्लेयर जो इनके हैं ओवरसीज उनके बारे में डिस्कस करेंगे वो रवि गोपाल हैं, पिछले सीजन के स्टार हैं। लास्ट के दो मैच उन्होंने कप्तानी के पूरा आई अंजाम लिए थे, अच्छे बिजी क्रिकेटर हैं, बैटिंग भी अच्छी करते हैं, बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, फील्डिंग भी अच्छी करते हैं, तो इनसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि इस PSL 2017 के सीजन में वो अच्छा परफॉर्म करेंगे और अपनी टीम को जितवाने में किरदार अदा करेंगे।
तो ओवरसीज के डिपार्टमेंट में भी अच्छी है, ओवरसीज के चार प्लेयर खिलाए जा सकते हैं जहाँ तक मुझे लगता है। संगाकारा खेलेंगे, क्रिस गेल खेलेंगे अगर फिट हुए तो, महिला जयवर्धने खेलेंगे, और चौथे प्लेयर के बारे में काफ़ी ये कन्फ्यूजन होगी कि चौथा प्लेयर कौन सा खिलाया जाए, क्योंकि रवि गोपाल और कैरन पोरट, लेकिन मैं समझता हूँ कि कैरन पोरट को ध्यान दिया जाएगा। कैरन पोरट बहुत अच्छे और बहुत टैलेंटेड क्रिकेटर हैं, किसी भी टाइम किसी भी मैच का पाया पलट सकते हैं। तो लिहाजा फोर सीरीज के डिपार्टमेंट में इस मरतबा कराची किंग्स की टीम किसी से पीछे नहीं रहेगी, और बहुत अच्छे चारों ओवर प्लेयर को ध्यान दिया जाएगा, और टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करने की मुकम्मल सलाहियत रखती है।